हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज एग्जांपल नंबर सेकंड से स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 5.4 प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए फटाफट से, मैंने आपको पहले बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में हमने जो टेबल हमारे पास है उससे हमने वैल्यूज फाइंड आउट करना सीखा था। यहाँ पर देख लेते हैं। एग्जाम्पल सेकेंड कहता है कि जेड बी स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ टी। टी की वैल्यू बताओ, यानी कि ये लिमिट बताओ जेड की कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी। अगर आपको दिया जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस जेड लाइज बिटवीन 0 टू टी इज इक्वल टू 0.3944, यहाँ पर ये आपको दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं ग्राफ लेकर चलूँ, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यूज है, जेड लाइज बिटवीन 0 टू टी, तो पॉजिटिव साइड हमारे पास ये ग्राफ बन रहा है लाइक दैट, इस टाइप से, है ना। तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, जेड जीरो और टी हम यहाँ पर ले लेते हैं। दिस इज z equals to t, ठीक है, दिस इज z equals to t। तो ये वाला पोर्शन मेरे पास आ गया। तो ये t की वैल्यू बताओ कि t की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, जबकि आपको यहाँ पे ये दिया जाए। अब हमारे पास क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इक्वल्स टू, हमें प्रोबेबिलिटी जब बतानी होती है तो हम यहाँ पे एरिया बताते हैं ना, एरिया बताते हैं। और एरिया हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, एरिया हम टेबल से फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर टी की वैल्यू आप कैसे बताओगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड जीरो लाइज बिटवीन, जेड लाइज बिटवीन जीरो टू टी आपको गिवन है 0.3944। टेबल निकाल लीजिए और टेबल में आप जब आप ओपन करेंगे आपको वहाँ पे सर्च करना है, एक ही पेज आपके पास होता है ये, है ना। नेक्स्ट पेज में थोड़ा नहीं, नेक्स्ट में नहीं है, 3.9 तक आपको ये वैल्यूज दी गई है। ओके, तो ये जो टेबल आपके पास है आई थिंक आपको शो नहीं करेगा, लास्ट पेज पर है। यहाँ पर आप देखोगे 0.3944 ये वैल्यूज़ कहाँ है। ये वैल्यू देखिए, 3 की जो शुरू होती है ना 0.9 की रो से शुरू होती है। मैंने आपको पहले बताया था टेबल हमारे पास किस टाइप से है, जैसे इस टाइप से आपके पास कॉलम्स बने हुए हैं, है ना, इस टाइप से कॉलम्स है। सबसे पहले z की वैल्यू 0.0, 0.1, 0.2, 0.3 इस टाइप से चलती जाएंगे ना, आगे फिर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू सम 9 तक चलती जाएंगी। तो यहाँ पर हमें देखना है कि ये जो आपके पास जो वैल्यूज़ गिवन होंगी इसमें आप चेक करोगे 0.3944 कहाँ पर है। अब अगर मैं यहाँ पे चेक करती हूँ 0.3944 एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पे गिवन है लास्ट पेज पर जो टेबल हमारे पास है। ठीक है, तो ये जब आप देखोगे तो इसके, यानी कि मान लीजिए ये मेरे पास है, एग्जाम्पल के लिए मैं बता रही हूँ आपको, ये फिफ्थ, ये मैं ले लेती हूँ, मेरे पास है फिफ्थ। ठीक है, फाइव की रो में, सॉरी कॉलम में मुझे वैल्यू गिवन है, फाइव के कॉलम में गिवन है 0.3944। ठीक है, कॉलम तो मुझे मिल गया, अब रो को इधर ले आओ, इधर लेकर आते हैं, ये ले आए हम रो को। अब यहाँ पे कौन सी वैल्यू है ये आप चेक करोगे, ये वैल्यू हमारे पास है, दिस इज 1.2 यहाँ पर, जैसे कि 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 इस टाइप से चलती जा रही है, आगे फिर 1.1, 1.2 यहाँ पर आ जाएगी और ये वैल्यू आपको एग्जैक्ट मिल जाएगी, फाइव के कॉलम में मिलेगी। और अगर मैं यहाँ पे देखती हूँ, ऐसे रो अप्लाई करेंगे इसको हॉरिजॉन्टली अगर देखेंगे तो ये आता है 1.2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी भाई, टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, यानी कि ये वैल्यू मुझे कब मिली, जब z लाई करेगा 0 से 1.2 और कॉलम कौन सा था, 5। बहुत इजी है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है ज़्यादा। तो ये मेरे पास आ जाएगी t की वैल्यू, यहाँ से देखिएगा तो p ऑफ दिस, और ये मुझे डायरेक्ट रिजल्ट मिलेगा टेबल से, कुछ भी नहीं करना, ये मुझे डायरेक्ट रिजल्ट मिल रहा है टेबल से। इस पॉइंट पर अगर z की वैल्यू 0 से 1.25 के बीच में लाई करती है तब मुझे टेबल से ये वैल्यू मिलती है। तो यहाँ पर t क्या हो जाएगा मेरे पास, 1.25 हो जाएगा। ठीक है, ये तो है बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा। आगे चलते हैं, सेकेंड पार्ट में आपको क्या दिया गया है, सेकेंड पार्ट में कहता है p ऑफ z लेस देन इक्वल्स टू t, दिस इक्वल्स टू 0.7996, ये बोला गया है ना। हमें पता है कि जो टेबल आपको दी गई है ना उसमें सारी पॉजिटिव साइड की वैल्यूज़ हैं, नेगेटिव की तो नहीं है। यहाँ पर क्या है, दस, और क्योंकि ये जो प्रोबेबिलिटी, स्टैंडर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये जेड इक्वल्स टू जीरो, अगर आपको बताना है कि जेड लेस देन टी है, टी कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है। अब जेड लेस देन टी कौन सा, कहाँ से कहाँ तक आएगा, ये पहले आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा, उसके बाद आप ये वैल्यूज देख पाओगे।
अच्छा सही, अगर मैं यहाँ पे जेड टी ले लेती हूँ, अच्छा मैंने डिलीट ही कर दिया सारा, ले हो गया, लीजिए भाई जेड इक्वल्स टू टी मेरे पास ही आ जाता है, ठीक है, जेड इक्वल्स टू टी, ये लाइन मेरे पास है जेड इक्वल्स टू टी। अब मुझे क्या बताना है, मुझे एरिया देखना है जेड लेस देन इक्वल्स टू टी, कौन सा एरिया मिलेगा मुझे जेड लेस देन इक्वल्स टू टी, ये सारा एरिया हो जाएगा दिस वन, ओके। इसकी वैल्यू मैं कैसे निकाल सकती हूँ, देखिए ये है मिड पॉइंट जेड इक्वल्स टू जीरो, इतना ही एरिया इधर होता है, इतना ही इसके राइट साइड में होता है, होता है, तो ये वाली जो प्रोबेबिलिटी यानी कि इसको अगर मैं कन्वर्ट करूँ जेड लेस देन इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड ग्रेटर देन जीरो लेस देन टी, लिख सकते हैं किसके इक्वल, 0.7996 के इक्वल, यहाँ तक क्लियर। z लेस देन इक्वल्स टू जीरो इसकी प्रोबेबिलिटी यानी कि क्या होता है, ये एरिया कितना होता है 0.5, क्योंकि पूरा का पूरा कितना होता है 1 होता है, हाफ 0.5 हो जाएगा, ये पहले हम डिस्कस कर ही चुके हैं, 0.5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ z लाइज बिटवीन 0 टू t 0.7996, ठीक है, यहां से 0.5 को माइनस करोगे पी ऑफ वैल्यू किसकी निकालिएगा, जेड लेस देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो लेस देन इक्वल्स टू टी, 0.7999, ओ ये सिक्स है लास्ट, माइनस 0.5, हम इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 0.2996। अब आप टेबल पर जाइए, टेबल में देखिए आप 0.2996 कौन से रो और कॉलम में एग्जिस्ट कर रहा है, 0. दिस वन आल्सो, यस 0.2995 की हो जाती है 0.29, एक्यूरेट वैल्यू आपको मिलेगी यहाँ पे, ठीक है, एक्यूरेट वैल्यू यानी कि यहाँ पर ही मेरे पास क्या है 0.299 वैल्यू बिल्कुल एज इट इज़ मिल रही है, 2996 ये है फोर्थ कॉलम है, और इधर से चलेंगे 0.7 यानी कि 0.7 ये जो जेड की वैल्यू है ना ये तो है 0.7, और फिर आगे 0, 1, 2 इस टाइप से कॉलम्स गिवन है, ये कॉलम्स गिवन है ना, ये सेवेंथ कॉलम में है, यहाँ पर ये वैल्यू है, तो ये मेरे पास आ जाएगा, इस टाइप से मुझे देखना है, सो दिस इक्वल्स टू probability of z lies between 0 to 0.7 और आगे वाला कॉलम कौन सा है भाई, सेवेंथ कॉलम है, सेवेंथ कॉलम दिस इज 0.8 में है, सेवेंथ में है, जस्ट अ मिनट मेरा आंसर मैच नहीं कर रहा है एक्चुअली, 0.2996 ये एट में है भाई, एट में है ये, 0.7 नहीं एट में है, ठीक है मैंने गलत देख लिया है, 0.8 दिस इक्वल्स टू 0.2996 ये वैल्यू आपको मिल जाती है टेबल से, यानी कि मुझे अब ये देखना पड़ेगा ये वैल्यू कहाँ पर बिलोंग कर रही है, वही मेरे पास टी की वैल्यू हो जाएगी, है ना। सो आप कंपेयर करो इन दोनों इक्वेशंस को, यहाँ पर मैंने कहा कि जेड लाइज बिटवीन 0 टू टी मेरे पास ये वैल्यू आ रही है, और हमें टेबल से दिख रहा है कि ये जो वैल्यू है ये कब मिल रही है, जब जेड लाई कर रहा है 0.8 के बीच में, सो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, टी हो जाएगी 0.8 8 और हाँ 7 भी, 7 आपको जो कॉलम है वो भी लेना है, और जो z की वैल्यू ये हो जाती है, इसके बाद हम कौन सा नंबर लगाते हैं, जो कॉलम वाला नंबर होता है, यानी ये मेरे पास 0.8 ये वाली रो में जा रहा है, और ये वैल्यू मुझे यहाँ मिली है सेवेंथ कॉलम में, तो 0.87 हो जाएगी, ठीक है 0.8। अच्छा 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 फिर से गड़बड़ कर दी भाई मैंने, 4 में है भाई, ओ माय गॉड कहाँ देखे जा रहे हैं, ये वैल्यू 4 में है, 4 में 4 हो जाएगा, आंसर मिसमैच हो जाएगा और कुछ नहीं है, टेबल तो खैर आपको चेक करनी है, तो ये टेबल इस टाइप से मिस्टेक नहीं करनी है, जैसे कि अभी मेरे से ही होगी है ना, इस टाइप से आपको मिस्टेक नहीं करनी है, टेबल को ध्यान से देखना है, 0.8 के सामने मिलेगी फोर्थ कॉलम में वैल्यू है,
तो हम इसको लेंगे 0.84। इस टाइप से आपको भी मिस्टेक नहीं करनी है। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट यहाँ पे बोला गया है, थर्ड पार्ट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड टी से ग्रेटर है 1.85 से लेस है, ये आपको दिया गया है 0.2763। ओके ये हमें बोला गया है। चलिए पहले ग्राफ ड्रॉ करोगे, सबसे पहला काम आपका यही होना चाहिए, ग्राफ ड्रॉ करो। सही नहीं बनाना, चलो जैसा भी बनता है भाई एडजस्ट करो। कहता है कि Z lies between T to 1.85, पॉजिटिव नंबर है। T कहीं ना कहीं मैं यहाँ ले लेती हूँ, Z equals to T, यहाँ क्या होता है ये लाइन क्या होती है Z equals to 0 होती है, दिस लाइन है ना, ये मेरे पास होगी Z equals to T लाइन। आगे कहता है कि 1.85, वन मैं यहाँ ले लेती हूँ, वन दिस इज टू, वन टू, और 1.85 कहीं ना कहीं यहाँ पे हो जाएगा, दिस लाइन इज Z इक्वल्स टू 1.85। तो मुझे जो एरिया यहाँ पे देखना है कि Z कहाँ से कहाँ तक लाई करना चाहिए, T से लेकर के 1.85 तक यहाँ पे लाई करना चाहिए, समझ आ गया। तो यहाँ से Z इक्वल्स टू T यहाँ से लेकर के हमें जाना है यहाँ इस पॉइंट तक, ये मुझे चाहिए। इसको आप कैसे लिखेंगे, देखिए इसको मैं लिख सकती हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ, यानी कि एरिया ऑफ 0 to 1.85 पूरे यहाँ से यहाँ तक के एरिया में से ये वाला माइनस कर देंगे, ये वाला माइनस कर देते हैं, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ Z lies between 0 to T, दिस इक्वल्स टू 0.2763। लिख सकते हैं ये एरिया, इसकी वैल्यू निकाल सकते हो टेबल से, है ना, टेबल से वैल्यू देखिएगा इसकी 1.85, हम यहाँ पे टेबल निकाल लेते हैं, 1.8 के जेड की जो वैल्यूज है 1.8 के पास जाओगे और फिफ्थ कॉलम में देखोगे, 1.8 ऐसे हॉरिजॉन्टली चले और फिफ्थ में 0.4678 इसकी वैल्यू होगी, माइनस पी ऑफ Z lies between 0 to T, this equals to 0.2763। आप इसको इधर शिफ्ट कर दो, इसको इधर शिफ्ट कर लो, मतलब ये पॉजिटिव हो जाएगा राइट हैंड साइड पे जा करके लेस देन इक्वल्स टू T, और ये इधर जा करके माइनस हो जाएगा 0.4678 माइनस 0.2763। वैल्यू तो सही देखिए ना, थोड़ा मैच कर लेते हैं कहीं भाई मिस्टेक हो जाए, हाँ ठीक है ये आ जाएगा 0.1915। अब आपको T की वैल्यू चाहिए, वापस टेबल में चलिए और 0.1915 वैल्यू देखिए कौन सी कॉलम या रो में आती है, 0.1915 ये रहा पहला ही है, 0.5 जेड की वैल्यू है और ज़ीरो वाले कॉलम में है, तो 0.50 हो जाएगा ये। आप यहाँ पे लिखोगे We know that अगर Z की वैल्यू 0 से 0.50 इसके बीच में लाई करेगी तो टेबल से मुझे ये वाली वैल्यू मिलती है। सो ये आप इसको इक्वेशन फर्स्ट और इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड ले सकते हो। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड T की वैल्यू हो जाएगी 0.50। ठीक है, इस टाइप से हमें फाइंड आउट करनी है। ज़ीरो को आप यहाँ से हटा भी सकते हो, 0.5 रहेगी क्योंकि डेसिमल के बाद इसका कोई मैटर नहीं होता है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड में क्या कहता है, एक्स नॉर्मल वेरिएबल दिया गया है यहाँ पे, इफ एक्स इज द नॉर्मल वेरिएबल एंड विद मीन गिवन है 50, ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन इज 8, स्टैंडर्ड
आगे लिखते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन इज 8, ठीक है। इसके बाद कहते हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटीज दैट, फाइंड द प्रोबेबिलिटीज दैट फर्स्ट पार्ट इज, अगर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60 है तो यहां से प्रोबेबिलिटी बताइए, कैसे हम बताएंगे। देखिए कहते हैं कि अगर ये x तो है नॉर्मल वेरिएबल, मैं स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल लेकर चलती हूँ। सॉल्यूशन इज लेट z बी स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल, ये ले लिया हमने स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल, ठीक है। z की वैल्यू निकाल सकते हो इजीली, कैसे निकालिएगा, z किसके इक्वल, क्या वैल्यू ली थी हमने z की, x माइनस म्यू डिवाइड बाय नीटा, म्यू क्या था मेन, नीटा स्टैंडर्ड डेविएशन, सब कुछ गिवन है आपको, कर दीजिए वैल्यू निकाल लीजिए। यहाँ पे x इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60 चाहिए मुझे, तो x इक्वल्स टू 60 लेकर चलेंगे, z की वैल्यू निकाल लेंगे। सो देयरफॉर z इक्वल्स टू 60 माइनस मीन कितना है भाई, म्यू गिवन है, मीन गिवन है 50 और नीटा स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है 8, 60 माइनस 50 डिवाइड बाय 8, ठीक है। तो ये मेरे पास आ जाएगा 10 बाय 8, ओके, एंड दिस इक्वल्स टू 1.25, ठीक है। तो z की वैल्यू मेरे पास आ जाती है जब हमने इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल ले लिया, ऑल राइट। ये z की वैल्यू रहेगी सबके पास। सबसे पहले मुझे बोला गया है प्रोबेबिलिटी निकालिए जब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60 हो, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन, z में चेंज कर दो किसे, ये भी ग्रेटर है यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे भी ग्रेटर लेना है, 1.25 निकाल लीजिए। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से देखते हैं स्टैंडर्ड से, 1.25, दिस लाइन इज z इक्वल्स टू 1.25, यहाँ पे z 0, ये लाइन z 0 10, मुझे इससे ग्रेटर वैल्यू चाहिए, यानी कि जो प्रोबेबिलिटी इससे ग्रेटर के लिए चाहिए, यानी मुझे ये वाला एरिया देखना है, दिस वन। इसको क्या लिखेंगे आप, इसको आप लिखेंगे दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 से, मतलब कि पूरा राइट साइड का ले लीजिए आप, 0.5 हो जाएगा, यानी z ग्रेटर देन 0, और इसमें से मैं ये वाला माइनस कर देती हूँ तो मुझे ये वाला ही मिल जाएगा रिक्वायर्ड, है ना। सो प्रोबेबिलिटी व्हेन z ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 माइनस प्रोबेबिलिटी, ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ z लाइज बिटवीन 0 टू यहाँ कितना है 1.25, ये 0.5 हाफ पोर्शन हो गया पूरा का पूरा जीरो से इधर का, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है 0.5, है ना। इसी तरह से इधर की हाफ 0.5 माइनस, ये टेबल से देख लेते हैं। जेड की वैल्यू देखिएगा जब हमारे पास 1.2 का कॉलम, जेड की वैल्यू 1.2 चलेंगे 1.2 और आगे है 5, तो फिफ्थ कॉलम में आ जाइए 1.2 के सामने वाली वैल्यू देख लेते हैं, दिस इज 0.3944, ठीक है। तो यहाँ से हम अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 0.1059, ठीक है। ये वैल्यूज़ आपको फाइंड आउट करनी होती है, यहाँ लिख देते 0.4, बार बार मार्कर पता नहीं कैसे चल जाता है, 1056, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं इसी के सेकंड पार्ट में, यानी कि आपको मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन वही दिए गए हैं, जेड की वैल्यू ये पर्टिकुलर यही रहने वाली है, जेड की वैल्यू यही रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है एक्स लेस देन इक्वल्स टू 60, आपको बताना है प्रोबेबिलिटी जब एक्स लेस देन इक्वल्स टू 60 होगा, है ना। अच्छा सॉरी, जेड चेंज हो जाएगा भाई, क्योंकि हाँ मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन वही रहेंगे। Here,
जेड इक्वल्स टू एक्स माइनस म्यू बाई नीटा है ना, यहाँ पे एक्स क्या रखोगे 60, सेम चल रहा है क्या? अच्छा वहाँ पे ग्रेटर था, यहाँ पे लेस है, इतना ही फर्क है, कर लोगे ये तो छोड़ देते हैं, हो जाएगा। z की वैल्यू 60 माइनस 50 डिवाइड बाय 8, वही आपके पास 1.25 आएगा, है ना। और प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू 60 माने प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन इक्वल्स टू 1.25। आपको अभी इससे लेस निकालनी है, यानी कि मैं ऐसे लाइन ले लेती हूँ, ये वाली प्रोबेबिलिटी चाहिए आपको, है ना। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, हाफ तो जीरो से इधर की होगी, पूरी की पूरी हाफ 0.5, और प्लस कर देंगे इसको, है ना। सो 0.5 प्लस यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड लेस देन जीरो प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड लाइज बिटवीन 0 to 1.25। अभी अभी हमने फाइंड आउट किया था, ये तो हो गया 0.5, आधी जो हमारे पास रहेगी, प्लस प्लस इज प्लस इसकी वैल्यू अभी हमने चेक की थी, ये वाली ऐड कर देंगे, बस इतना ही फर्क है, 4 4, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कहते हैं थर्ड पार्ट में, क्या कहते हैं थर्ड पार्ट में, कहते हैं जब x की वैल्यू 40 और 70 के बीच में लाई करेगी, तब आप बताइए कि इसको आप कैसे, यानी कि इस प्रोबेबिलिटी को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो व्हेन x लाइज बिटवीन 40 एंड 70, इसके लिए मुझे दो z की वैल्यूज निकालनी पड़ेगी, ओके। और फिर हमें बताना पड़ेगा इफ x इक्वल्स टू 40 और म्यू कितना था 50, नीटा 8, यहाँ से मैं z निकालूँगी, x माइनस म्यू डिवाइड बाय नीटा, x इज 40 माइनस 50 डिवाइड बाय 8, ये नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, माइनस 1.25, वही माइनस 10 बाय 8 रहेगा, है ना। एंड इफ z इक्वल्स टू z नहीं x, x अगर मेरे पास 70 है, x अगर 70 है, सो z इक्वल्स टू 70 माइनस 50 डिवाइड बाय 8, ठीक है, दिस इक्वल्स टू 20 बाय 8 एंड 4 बाय 2, राइट, एंड दिस इक्वल्स टू 2.5। अब जब आपको ये वाली प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी व्हेन x लाइज बिटवीन 40 टू 70, दिस इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी z लाइज बिटवीन 40 पे क्या वैल्यू आई z की, माइनस 1.25, 70 पे क्या आई 2.5। जरा ग्राफ से समझे कैसे कैसे आप ब्रेक करेंगे इसको, माइनस ये z इक्वल्स टू 0 हो गया, माइनस 1 मैं यहाँ ले लेती हूँ, माइनस 2 इधर, माइनस 1.25 हियर, दिस लाइन z इक्वल्स टू माइनस 1.25, आगे 2.5, 1 2, बहुत आगे गया है ना, कुछ ज़्यादा ही बड़ा ले लिया इंटरवल, चलो कोई नहीं यहाँ ले लेते हैं, आगे आएगा थोड़ा सा, बल्कि z इक्वल्स टू 2.5, दोनों का मिड आना चाहिए था ना, चलो कोई नहीं एडजस्ट कर लेना इसको। कहते हैं कि z की वैल्यू जब इनके बीच में लाया करें, यानी कि ये वाला एरिया मेरे पास हो गया, ये वाला एरिया हो गया, है ना। अब ये वाला जब एरिया है तो इसको मैं 0 पर ब्रेक कर लेती हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हेन z लाइज बिटवीन माइनस 1.25 से 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हेन z लाइज बिटवीन 0 to 2.5, है ना। नेगेटिव को मुझे फिर से पॉजिटिव में चेंज करना होता है, पता है ना, क्योंकि ये इसकी सिमेट्रिक हो गया ना, z इक्वल टू 0 के जितना ये वाला एरिया उतना ये वाला एरिया हो जाएगा। ओहो अच्छा जी, तो इसको लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ z लाइज बिटवीन 0 to 1.25 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ z लाइज बिटवीन 0 to 2.5। यहाँ तक क्लियर है। अब ये अलग वैल्यू देखोगे टेबल से, ये अलग देखोगे, 1.2 पर जाइए और फिर फिफ्थ जो आपके पास कॉलम है, 5 का जो कॉलम रहेगा वहाँ पर वैल्यू देखो, 1.2 के हॉरिजॉन्टली ये z की वैल्यूज होंगे 1.2, यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 और ये वाली 5, इसके सामने वाली
फिफ्थ के कॉलम में ये वैल्यू आ जाएगी, कौन सी, दिस। इसी टाइप से 0 से 2.5 यानी कि 2.5 आगे चलोगे जब आप, 2.5 आएगा और फिर ज़ीरो वाला कॉलम, क्योंकि इसके आगे क्या है 0.2.5 और इसके आगे हम 0 अप्लाई कर सकते हैं, तो 0 वाले कॉलम में 2.5 के सामने यानी कि ये वाली वैल्यू हो जाएगी। दोनों को ऐड करो, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई टाइम कितना हो गया, आज की क्लास में यहीं तक करेंगे हम, बाकी के सारे क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट क्लास में करवाती हूँ, और इनको अच्छे से ट्राई कीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, इतना मतलब हेडेक नहीं लेनी पड़ेगी आपको इनमें, और आगे क्वेश्चंस भी थोड़े थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होंगे बट सारे के सारे टेबल से ही सॉल्व करने हैं। मेथड अगर आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड का समझ लिया आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय, टेक केयर।